आपने सुना, वो तो कह रहे हैं देखिए हम विकास का आधार बना रहे हैं, हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुस्लिम महिलाओं को फायदा दिया, आयुष्मान कार्ड योजना, पक्के घर मिल रहे हैं, उनको राशन पहुंचाया जा रहा है, तो हम तो उस आधार पर उनको इकट्ठा कर रहे हैं, योजना है विकास। पहले कहा ना कि वो 400 रुपए का 1200 का हो गया कि अच्छी तो है, एक भुखमरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे चला गया, ये भी तो नहीं। आज प्रत्येक देश के नागरिक के ऊपर 1,40,000 का जो बोझ है, जो आपने पिछले 8 सालों में 2,00,000 करोड़ बढ़ा दिया देश का, ये भी तो विकास है, यही तो विकास है आपका। और आपने अभी खुद ही कहा कि मुस्लिम लोगों के लिए ये किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए ये किया, इतने लाभार्थी मुसलमान थे, आपके हर शब्द में मुसलमान, मुसलमानों को ये दिया, मुसलमानों को वो दिया, तो इतना तो कभी समाजवादी पार्टी ने भी मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए ये किया, मुसलमानों के लिए ये किया, इस तरह बोला होगा जितना आप बोल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही बोले, मैं बहुत चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि आप ऐसा बोले। हमारे साथ राजीव रंजन जी भी है, महेश जी मैं लौटूंगा, आशीष जी, राजीव रंजन जी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बर्क साहब तो कह रहे हैं कि देखिए हम मुस्लिम महिलाओं को समझाएंगे, जो ये अभियान चलाया बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बकायदा शुक्रिया मोदी भाईजान को लेकर, लेकिन यहाँ मेजर साहब, मेजर आशीष जी को लग रहा है कि जितनी बार बीजेपी यहाँ मुस्लिम मुस्लिम करेगी तो हमको फायदा हो जाएगा, कि हम तो देखिए हिंदू, जो हिंदू वोटर है वो कहीं ना कहीं छिटकने की मुझे लग रहा है उनकी बातों से, ऐसा लग रहा है सर, आप कैसे आकलन करते हैं इस पूरे मामले को सर? जेपी जी देखिए, भारत की राजनीति की एक विडंबना है, आजादी के बाद से ही मुस्लिम समुदाय इस देश में अल्पसंख्यक रहा, मुसलमानों के मन में यह भय पैदा करना कि इस देश का हिंदू या हिंदू समर्थक पार्टियां आपका भला नहीं चाहती, और उनके मन में भय पैदा करके, उनके भय का भया दोहन करके राजनीति कांग्रेस करती रही, और कांग्रेस का जब समय बीता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो भी इनकी समर्थक पार्टियां रही। सवाल यह है कि मोदी सरकार में या योगी सरकार में सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या योजनाओं में यह पूछिए और उसका लाभ मिलता है, या हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, आप आर्थिक आधार पर या सामाजिक आधार पर जिस क्राइटेरिया में आते हैं, जहां पे योजनाओं का लाभ आपको मिलना चाहिए कि नहीं, अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको लाभ मिलता है, अगर नहीं आते हैं तो नहीं मिलता है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कहां पे आ गई? अब सवाल यह है कि 2024 आ गया है तो मुसलमानों को भय में डालकर, डराकर, धमकाकर जो लोग मुसलमानों का वोट लेते रहे हैं उनके मन में यह भय पैदा हो गया है कि शायद अब मुस्लिम समुदाय मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित हो गया है और कुछ वोट ठिटक सकता है, तो इसके लिए फिर मोदी भाईजान बुरका और ये वो करके देश में माहौल खराब करना। लेकिन सरकार अपनी नीतियों पर बहुत स्पष्ट है कि ऊपर से नीचे तक जो व्यक्ति जिस क्राइटेरिया में आता है उसको उसका लाभ देना है, और शायद इसी नीति पर सरकार चल रही है। राजीव रंजन जी, इस पे नफा नुकसान जरा बताइए ना, क्योंकि मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जो बात कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ये बीजेपी वाले जितना मुस्लिम मुस्लिम करेंगे, मुस्लिमों की बात करेंगे तो हमको फायदा लगे, उनके बयान से बर्क साहब, लेकिन बर्क साहब या एस टी हसन साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, वो देखिए वो मुस्लिम लीडर है, उनको मुस्लिम वोट चाहिए इसलिए वो ऐसी बातें करेंगे, लेकिन पार्टी और पार्टी के जो सांसद हैं उनकी अलग लाइन, जो मुस्लिम सांसद हैं, ये थोड़ा सा आप मुझे समझाइए ना। नहीं देखिए, जो भी मुस्लिम सांसद है या मुस्लिम विधायक है या जो इनकी बातचीत है, सबसे बड़ी बात है कि इनके मन में यह भय पैदा हो गया है कि यह देश 1989-90 में नहीं खड़ा है, देश 2023-24 में आ गया है, और विकास के नाम पर सरकार की विकासोन्मुख जो नीतियां हैं उनके नाम पर वोटिंग हो रही है, तो इसके लेके इनके मन में भय है, इनको लगता है कि बार बार भय को पैदा करो, भय को दिखाओ, और जितनी बार भय को दिखाओगे शायद उतनी बार उनके पक्ष में वोटिंग होगी, लेकिन अभी वो माहौल नहीं है मुझे ऐसा लगता है। बासित साहब देखिए, एक अभियान चला रहे हो, चलाना भी चाहिए, क्योंकि ये भी तो पीडीएफ फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं, आप भी अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हो, क्योंकि आप 2024 शुरू हो चुका है और 2024 में हर पार्टी का जो बड़ा टास्क है वो है मिशन 2024 को फतह करना लोकसभा को ले। लेकिन बासित साहब, आपको लग रहा है, क्योंकि माना यह भी जाता है कि बीजेपी कितना भी कुछ कर ले, ये भी एक धारणा बनी हुई है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को जाता नहीं है। बासी जी देखिए, एक
डिवाइडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक अलग धाराएं हैं। समाजवादी पार्टी का जो विश्वास है वो डिवाइडेशन में है कि वो पीडीए के जरिए समाज को बांटना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योजनाओं के डिस्ट्रीब्यूशन में समाज को लेकर के चलती है और वो हर उस गरीब तक पहुंचना चाहती है जिस गरीब की सुध कभी नहीं ली गई और जिस तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। यदि हम छोटी छोटी बात करें तो आयुष्मान भारत, जब कोई व्यक्ति या महिला उससे इलाज कराता है, उसके पास पैसा नहीं होता और उस कार्ड के माध्यम से जब उसका फ्री में इलाज होता है तो वो कितनी बड़ी निजात पाता है, ये समाजवादी पार्टी नहीं सोच सकती है। जिसका सपना होता है पूरे जीवन कि हम किस प्रकार से अपना घर बनाएं, किस तरह से हमारे घर पर छत हो, किस तरह से हमारे एक आशियाना हो, जब उनको सरकार एक घर देती है तो इसकी जो भावना है वो समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है। जब किसी बहन के हाथ पीले होते हैं तो ये भावनाएं लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन में यकीन रखती है, ये लोग डिवाइडेशन की राजनीति कर रहे हैं, लोगों ने इन लोगों को नकार दिया है। देखिए लगातार इन्होंने अलग अलग दलों से हमेशा सत्ता में आने के लिए गठबंधन किया, लेकिन जब गठबंधन किया तो गठबंधन के बाद हमेशा चुनाव के बाद ये एक दूसरे पर आरोप लगा कर अलग हुए, क्योंकि इनका एक ही गठजोड़ है कि केवल और केवल सत्ता में आना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार लोगों के बीच रह कर के सेवा के माध्यम से चुनाव जीत रही है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है। लोग मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, अभी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेताओं के अंदर भी मोदी जी का सवाल ये स्थान आया। ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा जो आप मेहनत कर रहे हैं? देखिए हमारा प्रयास है कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के पास सरकार के काम लोगों तक पहुंचाएं और जो सरकार ने मोदी जी ने लोगों के लिए किया है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है, उसको हम शुक्रिया मोदी भाईजान, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्योंकि जब मोदी जी जिस तरह से काम किए वो एक भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है, एक पिता अपनी बेटी के लिए कर सकता है, तो एक गार्जियन की तरह एक पिता तुल्य उन्होंने काम किए हैं और एक देश के लोगों गरीबों की चिंता की है। सर आप मिशन 2024 नजदीक है, शुक्रिया मोदी भाईजान के जरिए। बासित अली साहब और देखिए सब अपने अपने तरीके से, कोई पीडीएफ फॉर्मूला ला रहा है, कोई शुक्रिया मोदी भाईजान ला रहा है, क्योंकि मिशन 2024 नजदीक है। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतने, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आज।